वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बायो बाय डीपी। आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा क्लास टेंथ का चैप्टर रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिंगल सेल के लिए जो रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, वो हम लोग ने पढ़ा था। अभी हम लोग जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आखिर होता क्या चाहिए। तो सबसे पहला बात कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, किसके लिए आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है ओनली वन इन प्लांट्स होती है, प्लांट्स में होती है। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किस में? प्लांट्स में। तो उसके द्वारा प्लांट्स में जो क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल, एक नए ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। इसका मतलब क्या चीज़ है कि एक तरह का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट का। ठीक, जो कि कहाँ अकर होता है? लीव्स में, रूट में और स्टेम में। लीव्स, रूट और स्टेम के द्वारा प्लांट में क्या होता है? एक नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि एक तरह का एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, जो कहाँ अकर होता है? लीव्स, रूट और स्टेम में। तो यही लीव्स, रूट और स्टेम के द्वारा एक नए प्लांट का जन्म होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज इन मेथड सच ए लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक रोज एंड शुगर कैन। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो एक प्रॉपर्टी ये होता है क्या कि जो प्लांट्स का हम लोग एक डार ले लेंगे, टहनी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर प्लांट्स का एक ब्रांच लेके हम लोग उसको ग्राफ्ट करने का क्या मतलब है कि एक प्लांट लें, ठीक, उसको हम लोग उसका ब्रांच को कट करें और उस ब्रांच को हम लोग फिर से रोप दें, यानी फिर से उसको इंडिविजुअल के लिए उस प्लांट को हम लोग जिस तरह से प्लांट हम लोग लगाते हैं उस तरह से उसका जो ब्रांच होगा उसको लगाएंगे तो एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? रिप्रोड्यूस होगा। और लेयरिंग कहने का मतलब क्या है कि जो भी टहनी, जो भी प्लांट एक तरह का होता है जो कि लचीला होता है या करेला का, ठीक, उसको क्या करेंगे कि उसके लेयर को लेके, उसके प्लांट को, ब्रांच को लेके हम लोग धरती के अंदर रख के और ऊपर से माटी वगैरह रख देंगे तो वहाँ से एक नए प्लांट का ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म वहाँ से आएंगे, एक नए प्लांट आएंगे। वही प्रॉपर्टीज होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या चीज़ कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में मदद करता है टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक रोजेज और शुगर कैन। ठीक, रोजेज में हम लोग जानते हैं गुलाब का फूल में कि उसके टहनी को, उसके ब्रांच को लेकर हम फिर से उसको हम लोग रोपण कर देते हैं तो एक नए रोज का निर्माण हो जाता है। उसी तरह शुगर कैन में भी होता है कि उसके शुगर कैन को, टहनी को लेकर फिर से अगर हम लोग ये कर देंगे तो एक नए शुगर कैन आ जाएगा। उसके बाद एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? हम लोग कल पढ़े थे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ पढ़े थे कि उसमें जो पढ़े थे कि जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होंगे उसी तरह का एक नया इंडिविजुअल आएंगे। ठीक, लेकिन और सबसे पहला लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डीएनए में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एडवांटेज ये है कि जो प्लांट जैसा होगा, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट बॉडी एंड टू हैव इट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से ये हुआ कि जिस तरह का प्लांट होगा, ठीक, उसी तरह का उसका सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सारा का सारा सारा चीज़ उसका जो होगा सिमिलर होगा। जिस तरह का हम लोग रोज के ब्रांच को लेके एक नए रोज उत्पन्न करते हैं तो दोनों रोज एक ही तरह का होता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक, इनफ टू पेरेंट्स प्लांट बॉडी। जिस तरह का पेरेंट्स प्लांट बॉडी होगा उसी तरह का क्या होगा, एक नए प्लांट्स उत्पन्न होंगे। किस तरह के मेथड से? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो प्लांट फ्लावर में होती है। इसमें क्या होता है कि इसका एक स्पोर होता है, ठीक, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्पोरेंजिया में पाया जाता है।
स्पोरेंजिया एक तरह का सैक होता है जो कि स्पोर को कंटेन करता है। ठीक, तो जब स्पोर मैच्योर हो जाता है, जब स्पोर मैच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजिया क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाने के कारण स्पोर इन्वायरमेंट में आ जाता है, और इन्वायरमेंट में आने के बाद प्लांट का जो स्पोर होता है वो कहाँ आ जाएगा, इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट में उसको एयर वाटर और क्या चीज़, एयर वाटर के द्वारा क्या होता है, स्पोर को इधर से उधर वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है हवा के द्वारा, जिस नए जगह पे आ जाता है, नए प्लेस पे आ जाता है, और एक नए प्लेस पे जाने के बाद एक सूटेबल ग्राउंड पे वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो वही है कि यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, स्पोर आर प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ठीक, स्पोर जो होता है रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है। रिप्रोडक्टिव बॉडीज होने का क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहने का मतलब ये है कि इस स्पोर से एक नए जो होंगे ऑर्गेनिज्म या एक नए प्लांट जो होंगे उत्पन्न होंगे। उसके बाद स्पोर प्रजेंट इन अ सैक, हम अभी बताएं कि स्पोर जो होता है एक सैक में प्रजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, और स्पोरेंजिया बोलते हैं। और जब स्पोर मैच्योर हो जाता है तो स्पोर मैच्योर हो जाने के बाद क्या होता है, स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा, और स्पोरेंजिया ब्रस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो स्पोर जो है इन्वायरमेंट में आ जाएगा, और इन्वायरमेंट में आने के बाद एयर और वाटर के थ्रू क्या होगा, एक नए प्लेस पे चले जाएगा, और नए प्लेस पे जाने के बाद एक सूटेबल ग्राउंड देखेगा जहाँ पे इसको नए प्लांट के लिए उत्पन्न होना होगा, वहाँ पे ही जाएगा, और वहाँ पे सूटेबल होके एक नए इंडिविजुअल में ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, इसको हम डिटेल से हम लिख दे रहे हैं अभी। सबसे पहला ये है कि एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या चाहिए, सिंगल पेरेंट्स बॉडी ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक, उसके बाद स्पोर जो होगा क्या होगा, स्पोरेंजिया में होगा। स्पोर कहाँ कंटेन, स्पोर को कौन कंटेन करेगा, कंटेन स्पोरेंजिया। आफ्टर मैच्योर, आफ्टर मैच्यूरेशन, आफ्टर मैच्यूरेशन ऑफ स्पोर, स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, और स्पोरेंजिया जब ब्रस्ट कर जाएगा तो स्पोर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आने के बाद स्पोर कॉन्टेक्ट विथ क्या चीज, एयर वाटर। ठीक, और इसके थ्रू मूव्स टू और न्यू प्लेसेस, एक न्यू प्लेसेस पे जाएगा, और वहाँ से सूटेबल ग्राउंड पे जाके ये चूज सूटेबल ग्राउंड एंड क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा प्रोसेस है क्या चीज़ है, ये सारा प्रोसेस आपका, ये जो प्रोसेस है वो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले स्पोर हुआ, स्पोर कहाँ जाएगा, कंटेन, स्पोर को कौन कंटेन करेगा, स्पोरेंजिया। ठीक, एक सैक में, फिर क्या होगा, आफ्टर मैच्यूरेशन ऑफ स्पोर, जब स्पोर जो होगा स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगा तो स्पोरेंजिया क्या होगा, ब्रस्ट करेगा, स्पोर कहाँ आ जाएगा, कॉन्टेक्ट विथ कम्स इन विथ स्पोर कम्स इन विथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक, इन्वायरमेंट में इसको किससे कॉन्टेक्ट हो जाए, एयर वाटर से, एयर वाटर के द्वारा मूव्स टू अ न्यू प्लेस, एक न्यू प्लेस पे जाएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, एक सूटेबल ग्राउंड चूज करेगा अपने के अपने लिए, और वहाँ पे एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करेगा या एक नया इंडिविजुअल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा हो गया स्पोर फॉर्मेशन। और सबसे यहाँ पे एक चीज़ है कि जो
स्पोर जो है कहाँ कंटेंट होगा, तो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक, एक चीज देखना है, दूसरा चीज ये देखना है कि स्पोर जो क्या चीज है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। स्पोर जो है क्या है, एक रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। स्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, एक सेक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। तो ये हमारा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक।